हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं और ये वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का वीडियो है, जिसमें कह रहे हैं कि एम्बेसी छोड़ें, भारत हमारा पूरा मुल्क खरीदने की हैसियत रखता है। सो पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कहता है, चलते हैं और देख लेते हैं। आज की करंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही खराब चल रही है, सो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। सो हियर वी गो। तो मुझे भी एहसास नहीं था कि पाकिस्तान की मईशत इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी है। जी, इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। दूसरी बिड आई 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से। कि सस्ती रोटी के लिए उन्हें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो बेच देंगे। इंडिया जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है और ज्यूइश जो है वो इसे खरीदने के लिए ख्वाहिशमंद है। ज्यूइश ग्रुप कह रहा है कि यहां से नगोक बनाएंगे। महंगाई की शरह में 62% इजाफा हुआ है। ये जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है। एक मतलब फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। पहले इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, अब ब्रेकडाउन के करीब पहुंच चुकी है, इस नहज पे पहुंच चुकी है। आप इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं कि डॉलर क्यों नहीं मिल रहा? ये खबर बड़ी बड़ी अजीब सी है, कोई कंट्री अपनी एम्बेसी बेच रहा है। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा, आटा गायब है। वो कह रहे हैं रोजवेयर होटल टू बी गिवन ऑन लीज, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है, फर्म रोजवेयर होटल को देंगे। आज की खबर है सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया है, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया है। दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं, हमें दवाइयां दे दो। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे, आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में। रुपये तो नहीं लेंगे ना, वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। इंडियन बिजनेसमैन की तरफ से है कि इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को, बड़ा अच्छा किया। क्योंकि इस गलती की वजह से हुआ क्या है, मुल्क तबाह हो गया, मुल्क तबाह। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अमेरिका में स्थित अपने दूतावास की इमारत को बेचने की मंजूरी दी थी। अब इसे खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो चुकी है। इस इमारत के लिए बोली लगने वालों में एक भारतीय भी शामिल है। यह इमारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के पॉश इलाके में है और इसकी कीमत करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। इस इमारत में पहले पाकिस्तानी दूतावास का डिफेंस सेक्शन था। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार भारतीय रॉयल्टर ने कथित तौर पर 5 मिलियन डॉलर्स की बोली लगा दी है। अमेरिकी राजधानी में पाकिस्तानी राजनयिक सूत्रों ने बताया है कि लगभग 6.8 मिलियन डॉलर की उच्चतम बोली एक यहूदी समूह ने लगाई है। अब पाकिस्तान की इमारतें नीलाम होते देख पाकिस्तान में इस पर बड़े जोरों शोरों पर बहस शुरू हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दूतावास तो छोड़ो, भारत हमारा पूरा मुल्क खरीदने जा रहा है। फिर दूसरी जो बात है, ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कह रहे हैं, मैं इसको हैरान हुआ हूं। ये जो 25th स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका ने सपोर्ट किया। अब अजय पाकिस्तान में क्या हो रहा है? फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से, डॉन को। डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड वो कह रहे हैं, अनवर इकबाल साहब हमारे जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक जियो कंपनी की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहां पर अपना एक 6.8 बिलियन की, जो इस ग्रुप कह रहा है कि यहां से नगोक बनाएंगे। दूसरी बिड आई है 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की, पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, ये किस कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है साहब ये जनाब? अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी हुई शहबाज राणा साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेयर होटल टू बी गिवन ऑन लीज, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है, फर्म रोजवेयर होटल को देंगे, उस प्राइवेटाइजेशन। और डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन या क्या की है खुदा जाने, हाँ डार साहब ने की, हेडेड बाय डजाक डार साहब, सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री और वहां से एक जनाब इसका कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला यह है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको इन जगहों को बेच बेच के मईशत ठीक करनी है, क्या मतलब इसको बेच देंगे तो वो 82 रुपनी का बिना खा जाएगी, वो क्या होगा इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड देने जा रहे हैं MNAs MPAs को,
ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें, हो सकता है तो शिक को निकाल दें फिर, ये नेशनल एक्शन प्लान की शिक जो है ना कि माशी दहशत गर्दी कि जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको जूते मारने वो वाली शिक निकाल दें, बाकी पे तो अमल करें। सर बात ये है कि जो डॉलर है वो 235 से ऊपर जा रहा है, अब एक मरतबा फिर हम उसी तरफ जो है ना वो चलते चले जा रहे हैं बहुत तेज रफ्तारी से। फिर हम ये देख रहे हैं कि एक तो महंगाई हर चीज में बहुत ज्यादा, हर चीज गैस नहीं है और बिजली की तो आप जानते हैं कि बिजली के इस महीने में अगर सर्दियों में कोई हीटर चलाएगा तो उसका हाल क्या होगा। इसी के साथ जहां ये सब कुछ नजर आ रहा है आटा गायब, आटा भी गायब हो गया, आटा गायब है लेकिन हमने फैसला किया है कि नहीं हमने किसी से गंदगी नहीं की, कोई हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं, नुकसान पाकिस्तान का हो गया, तबाह हो गया आज कंट्री अकॉर्डिंग टू शब्बर ज़ैदी, अकॉर्डिंग टू शब्बर ज़ैदी। इस हफ्ते के अंदर अंदर आपको फैसला करना होगा, IMF मार्च तक आपको किस्त नहीं दे रही, मार्च तक पैसा नहीं आ रहा बाहर से, आपको आपके दोस्त ममालिक ने रिफ्यूज कर दिया पैसे देने, उसकी वजह यह थी उनका उनकी कंटीजेंसी थी कि जब तक IMF के पैसे नहीं आएंगे हम पैसे नहीं देंगे। IMF इस हफ्ते में शब्बर ज़ैदी ने कहा है कि इस एक हफ्ते के अंदर अंदर डिसीजन सख्त डिसीजन लेने होंगे, अकॉर्डिंग टू उनके मुताबिक तो यह है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है, ये उनका इंटरव्यू अभी चला है और उन ही इज इन टच विद IMF पीपल कंटिन्यूसली। और दूसरा आपको मैं मजे की बात बताना चाहूं, हफीज शेख हैज कम टू कराची, आपके गवर्नर जो पिछले स्टेट बैंक के ही हैज कम टू कराची, दे आर बोथ अटैच विद IMF, बाकर साहब भी आ चुके हैं। तो ये दर हकीकत आपको पता नहीं है अलिया, आपके पास 6.1 बिलियन फॉरेन रिजर्व है वो सारे के सारे चाइना और सऊदी अरेबिया के हैं, आपकी LCs नहीं खुल रही हैं, आप डॉलर की बात कर रहे हैं डॉलर जाए भाड़ में, लेकिन आपके पास इस वक्त आज की खबर है सुजुकी ने प्लांट बंद कर दिया, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया, दवाइयां आपके इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडिया की मिन्नतें कर रहे हैं हमें दवाइयां दे दो, और सबसे बड़ी बात यह कि आप जो इंडिया से दवाइयां लेते थे आप उनके पैसे नहीं दे पा रहे हैं डॉलरों में, रुपये तो नहीं लेंगे ना वो नस्वार तो नहीं लेंगे रिटर्न में, वो डॉलर लेते हैं। लेकिन दुख के साथ कहूंगा ना अमीरुल मोमिनीन के माथे पे बल है पाकिस्तान के बारे में, ना शरीफ खानदान के माथे में बल है, और दूसरा मेरे आज अमेरिका जाले कहां गए आज सारे जो ISI वाले दूसरे चक्कर और घुस के आ गए अंदर, घुस के आ गया I-10/4 में, बलोचिस्तान बलोचियों ने उनके साथ अलायंस कर लिया TTP के साथ, और तीसरी बात है शुमाली वजीरिस्तान में आज झंडे लगा दिए उन्होंने, वो कहां गए वो सारे लोग, और खुदा का नाम है ये छोड़ो असेंबली, ये छोड़ो ये फ्रॉड और करप्शन की चीजें छोड़ो यार, मुल्क बचाओ अगर बचा सकते हो, ये आपके हाथों की हिस्सा निकल रहा है इस वक्त आलिया, जिस तरह हाथों से निकलती है इस तरह निकल रहा है इस वक्त। साजिद साहब जैसा मैंने आपको बताया कि जो आटा है उसकी सिचुएशन ये, मैं बल्कि कल देख रही थी मसूद रज़ा दुनिया TV पे, तो वो ये बता रहे थे कि जो आटा है वो गायब हो गया, यानी महंगा तो अलग ना इन्फ्लेशन तो अलग जगह पे, 20 किलो का आटा आ लिया, 20 किलो का आटा 2500 से ऊपर का बिक रहा है इस वक्त, इन्हीं को नजर नहीं आ रहा, ये जो लोग डॉलर और यूरो वाले हैं ये डुअल नेशनल है, इनकी इनकम डॉलर और यूरो में, इनको नहीं नजर आ रहा, गरीब मर रहा है इस वक्त, रोटी खाना दो वक्त की रोटी खाना लग्जरी है जिस मुल्क में आप बैठी हैं। लेकिन ये कि दुख के साथ मैं कहता हूं, दुख के मैं अफसोस है मैं जख्मी हूं छलनी हूं वॉशिंगटन DC में, लेकिन वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। तो सारे साहब आप क्या देखते हैं, जैसा तो मैंने आपको आप भी जानते हैं आप खुद जानते हैं, मैंने क्या बताना है आपको खुद ही पता है, ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, जबकि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, जबकि मैंने आपने ये भी देखा जो आपने फरमाया भी है कि जो टोयोटा और ऐसी कंपनीज है वो भी, बल्कि BBC तक और दूसरी जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर अब पब्लिश हो रहा है कि वो कंपनीज कह रही है कि ये इस तरह काम नहीं चलेगा, हम नहीं कर सकते इस तरह काम, और ये सारा भाई सिंपल सी बात ये है कि कंडीशन खा गए हैं ये लोग, खा गए हैं, अब दिवालिया तो बन गया है, भारत के जो बिजनेसमैन है वो बिड लगा रहे हैं, डिफरेंट इजराइली लगा रहे हैं, आप सोचें वो लोग लगा रहे हैं जो जिनको ये कहते हैं कि भाई हमारी कंट्री में दे आर नॉट अलाउड, वो लोग आज पाकिस्तान की प्रॉपर्टी एम्बेसी को बाय कर रहे हैं, ये करारा वाला जो ना थप्पड़ है, और करो नफरतें और फैलाओ हेट,
जब आपके दिल में मैल होगा ना, वो कहते हैं कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने भी तो दूसरों की पीठ में जो है ना खोपा था ना, तो आज भुगतना तो पड़ेगा। नियत साफ हो तो हर चीज अच्छी हो जाती है, अपनी नियत ही साफ नहीं है। किसी भी कंट्री के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन कभी बनाकर नहीं रखे। अरे पड़ोसियों के साथ तो अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए। भारत के साथ आपने अच्छे रिलेशन नहीं बनाए, अफगानिस्तान के साथ आपने अच्छे रिलेशन नहीं बनाए, आपके साथ और जितने भी कंट्रीज हैं उसके साथ आपने रिलेशन नहीं बनाए। बनाए तो सिर्फ चाइना के साथ। अब चाइना को बोलो बचा ले हमें, चाइना भाई भाई है ना, चाइना हेल्प करता है। फ्रेंडशिप, पाक चीन फ्रेंडशिप, भाई फ्रेंडशिप होती है लेकिन एक लेवल की होती है, एक लिमिट की होती है। ये नहीं है कि आपने फ्रेंडशिप बना ली तो बना ली, ऐसा नहीं होता। तो ओवरऑल वीडियो में आप देखें तो आटा महंगा हो चुका है, महंगाई हो गई है, और लग्जरी वाकई में ही है क्योंकि खाना पीना बहुत महंगा है। बल्कि इसमें हम व्लॉग करेंगे, आज या कल में व्लॉग आएगा तो उसमें मैं आप लोगों से शेयर कर पाऊंगी। तो हम ये चीजें देखें तो बड़ी अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है, हम लोग क्या चीजें फेस कर रहे हैं। ऐसी चीजें जो मतलब नहीं होनी चाहिए, आप कंट्री को आगे लेकर नहीं चल रहे हो। आप ये असासे बेच कर क्या कंट्री दोबारा से अपने ट्रैक पे आ जाएगी? नहीं आएगी। पहले तो इन्होंने खूब अयाशियां की, अपनी जेबों से जो है पैसा सारा उधर डालते गए अपने बैंकों में, अपनी प्रॉपर्टी सेल करें, इतनी मोहब्बे वतन है, अपनी कंट्री से इतना प्यार करते हैं तो पैसे अपनी जेबों से निकालें और दें गवर्नमेंट, अपनी कंट्री के ऊपर लगाएं। जितने भी हुक्मरान है लगाए ना, जो जमा करके रखा है, प्यार करते हैं अपनी कंट्री को, सेव करें। हाँ, और ये जो गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉयज हैं उनको इतनी अच्छी अच्छी हैवी हैवी सैलरीज आप पे कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? जब आपका इतना सिस्टम अच्छा नहीं है, आप इतने अच्छे लेवल पर उनको पे करो। ये जितने भी यहाँ पे हुक्मरान है उन लोगों को आप उनकी सैलरी में से डिटेक्ट करो, या कुछ मंथ्स की सैलरी उनको मत दो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं, अयाशियां चाहिए, खाना पीना इनका चलता है, डुअल नेशनैलिटी है, घूमते फिरते रहते हैं, और शहबाज शरीफ लोगों को बिरयानियां खिला रहा है, तो बस यही सब सिस्टम चल रहा है। तो बर्बाद कौन हो रहा है यहाँ पर? एक गरीब। और नो डाउट इंडिया खरीद सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि अब जो कंडीशन चल रही है ना, कुछ जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि जो है वो एम्बेसी का कभी सुन रहे हैं कभी किसी चीज का, तो आने वाले वक्त में हमें ये भी सुनाई देगा कि पाकिस्तान फॉर सेल, ठीक है, ये भी सुनने को मिलेगा। बड़ा ही दुख हो रहा है कि पाकिस्तान की कंडीशन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की भी कंडीशन सुनने में आएगी, या फिर इस तरह कोई बात करेगा पाकिस्तान के ऊपर। और एक अब इंडियन भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी उसके ऊपर बेड लगा रहे हैं, अब देखो फिर उसके बाद इसराइली लगा रहे हैं और भी दूसरी कंट्रीज के, तो जाहिर सी बात है अब जिसको अच्छी अमाउंट में मिलेगा वो तो बाय कर लेंगे। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है, दुखद है दिल, अफसोस भी हो रहा है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हम तो सिर्फ देखकर तमाशा ही देख रहे हैं, क्या कर सकते हैं, करना जिनको है वो तो कर नहीं रहे। IMF भी जाहिर सी बात है वो भी कह रही है कि हम लोग क्या करें, दूसरी कंट्रीज भी कह रही है हम क्या करें। जाहिर सी बात है आप हर बार हाथ आगे फैलाते रहोगे तो एक वक्त आएगा लोग कहेंगे भाई जा माफ कर, क्योंकि एक लिमिट में ही लोग अच्छे लगते हैं मांगते हुए, ठीक है। हर वक्त तो मांगना भी अच्छा नहीं होता ना, लोग सामने वाले भी तंग आ जाते हैं देते देते। तो आप गाइस क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।